को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता आज आपने की। आज हम सब सभी समाजवादी परिवार के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी परिवार में आदरणीय अखिलेश जी के समक्ष शामिल हुए थे, सदस्यता ली थी उन्होंने। आज इनका स्वागत किया हम सब लोगों ने मिलकर। इनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। ये छात्र जीवन से लगातार गरीब पिछड़े दलित लोगों की बात करते रहे हैं। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रहकर वर्षों काम किया है। सरकारी नौकरी त्याग कर लोगों की समाज की सेवा करने का संकल्प लिया था। मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा संघर्ष गरीब पिछड़े तबकों के लिए इन्होंने हमेशा अपने जीवन काल में किया है। हमें खुशी है कि एक मजबूत स्तंभ जो कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में कुशवाहा समाज के संगठन के लिए काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। इनके आने से समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है इनके आने के बाद 2022 का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक बार फिर वो सभी योजनाएं जो अखिलेश जी ने शुरू की थी वो जमीन पर उतरेंगी। गरीब दलित पिछड़े लोगों के लिए काम होंगे, किसानों की मदद होगी, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का इंतजाम होगा, छात्र नौजवान किसानों के बेटों को लैपटॉप मिलेगा और कह सकता हूँ किसान की बेटी आगे पढ़े फिर कन्या विद्याधन योजना लागू होगी, जिससे कन्या विद्याधन के माध्यम से गरीब किसान की बेटी को इंटर पास करने पर 30,000 रुपये मिलते थे। पेंशन योजना लागू होगी, किसान की फसल बर्बाद होगी तो फिर वही मुआवजा मिलेगा जो मुआवजा अखिलेश यादव के समय मिला था। किसान कैसे आगे बढ़े इसके फैसले होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि भाई जुगल किशोर जी के आने के बाद पूरे बुंदेलखंड नहीं बल्कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनेगी। जुगल किशोर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने किया क्या आपकी आगे की रणनीति होगी? मैं समाजवादी पार्टी में जी अखिलेश जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए जी समाजवादी पार्टी को मैं आया हूँ, मेरा साथ। और जो हम कई वर्षों से मूवमेंट चला रहे थे दलित पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, वह मूवमेंट रुक गया था और उस मूवमेंट को गति हमारे आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश नाना जी दे रहे थे, तो मैंने लेकर के उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और उनकी और उनको पूरी तरह से मजबूती प्रदान करेंगे हम समाज को जोड़ने के माध्यम से कि 2022 में अखिलेश नारायण जी मुख्यमंत्री बने और समाज का विकास हो। के समय में जब लोगों की लगातार जान जा रही है, संख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। सिर्फ कागज पर काम चल रहा है, बातें चल रही हैं, पर इंतजाम के नाम पर शून्य है। बताइए कोई परिवर्तन दिखाई पड़ रहा हो? जब दवाई नहीं बनी है तो रिकवरी का श्रेय सरकार नहीं ले सकती। आपने टैबलेट तक का तो इंतजाम किया नहीं है। रिकवरी रेट मैं कह सकता हूँ, रिकवरी को अगर आंकड़े गिना रहे हैं तो सरकार से पूछो मरने वाले लोगों की संख्या कैसे बढ़ रही है। सरकार जिस प्रकार से कह रही थी कि 15 अगस्त को लॉन्च मारी के दौर में सरकार के पास सबसे पहली प्राथमिकता कोई भी सरकार हो उसकी होनी चाहिए हम लोगों की जान कैसे बचाएं, कैसे महामारी से लोगों को सुरक्षित हो सके, कैसे हम मेडिकल सिस्टम को मजबूत करें। उस पर पूछो सवाल कितने मीटर बड़े, आपने क्या इंतजाम किया है। मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ बातें हैं इनके पास, अगर इंतजाम अच्छा है तो बताओ संख्या 95,000 कैसे हो रही है दिन में। आज आप दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ पूरी तरह विफल हैं आप ही ठीक दिशा में नहीं है। नेताजी विफलता छुपाने के लिए सुशांत और बाकी चीन का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर टीवी खोलकर लगता तो ये लगता है कि जब इतने लोगों की इतनी जान जा रही है और एक घटना को लेकर रात दिन टीवी चला रहा है, आखिर कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी है। किसान कैसे किसान की जिंदगी सुरक्षित होगी, कैसे बच्चे की पढ़ाई आगे बढ़ेगी, कैसे उन तक एंड्रॉइड फोन पहुंचेगा, कैसे लैपटॉप पहुंचेगा, कैसे हम उनकी एक साथ बचाएं। मैं कह सकता हूं उस पर इंतजाम के लिए कुछ सरकार को कदम उठाने की जरूरत थी। कैसे रोजगार के प्रबंध होंगे, जो लोग लौटे हैं वापस उनकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी, परिवार कैसे चलेंगे, बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। पर टीवी पर सिर्फ एक घटना चल रही है, ये दुखद है। कहीं ना कहीं मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की पल पल जिंदगी खतरे में है, जीवन खतरे में होता चला जा रहा है। गंभीरता से इन सवालों को उठाएं जिससे सरकार का ध्यान उन तक पहुंचे जो चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी थी उस स्तंभ की तरफ बढ़े। एक घटना सुनाकर एक आदमी की जान पर बहुत सारी सियासती बातें करकर हम बहुत सारे हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दें या लोगों की जान जा रही, ये गंभीर विषय है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।